प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सबसे मैंने वादा किया था ना कि अगली बार जब आएंगे तो कुछ नया लेकर आएंगे। कविताएं सुनना तो सबको अच्छा लगता है ना? मुझे सुनना और सुनाना दोनों अच्छा लगता है, पर सुबह सवेरे जल्दी उठना किसको अच्छा लगता है? थोड़ा मुश्किल तो होता है, पर मुझे विश्वास है कि ये कविता सुनने के बाद आप सुबह इसे गुनगुनाते हुए बहुत आराम से उठ सकेंगे। तो फिर सुनते हैं उस कविता को जो आपको सुबह जल्दी उठने में मदद करेगी। पुस्तक का नाम है सारंगी, कक्षा 2, पाठ 17 है। कविता का शीर्षक उठो उठो। तो चलिए, आप सब तैयार हैं उस प्यारी सी कविता को सुनने के लिए? मैं तो तैयार हूं, तो शुरू करें। पत्ती डोली चिड़िया बोली, हुआ सवेरा उठो उठो। छाई लाली आहा निराली, मिटा अंधेरा उठो उठो। आलस त्यागो प्यारे जागो, आंखें खोलो उठो उठो। देखो झांकी भारत माँ की, जय जय बोलो उठो उठो। देखो झांकी भारत माँ की, जय जय बोलो उठो उठो। तो देखा आपने, कितनी जबरदस्त और मजेदार कविता है ये। एक बार फिर से दोहराएं, शुरू करें। पत्ती डोली चिड़िया बोली, हुआ सवेरा उठो उठो। छाई लाली आहा निराली, मिटा अंधेरा उठो उठो। आलस त्यागो प्यारे जागो, आंखें खोलो उठो उठो। देखो झांकी भारत माँ की, जय जय बोलो उठो उठो। जय जय बोलो उठो उठो। तो दोस्तों, इस कविता को सुनने के बाद मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे अलार्म की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो इस कविता को सुनकर ही सुबह जल्दी उठ जाऊंगी। आप इस प्यारी सी कविता को हाव भाव के साथ गाएं। अपनी दिनचर्या के बारे में अपने दोस्तों से बातचीत कीजिए, जैसे समय से सोना, उठना, दांत साफ करना, स्नान करना, भोजन करना, पाठशाला जाना, घर के कामों में सहयोग करना वगैरह। सुबह के वातावरण और परिवार के सदस्यों की दिनचर्या के बारे में भी बातचीत कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की हमारी ये रोचक कविता यही समाप्त होती है। हम मिलेंगे जल्दी ही एक और रोचक और मनोरंजक पाठ के साथ। अभी मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा ऐसी ही सुंदर सुंदर कविताएं। और इस कविता को दोहराना मत भूलिएगा।